अकाउंट्स फर्स्ट सेमेस्टर दो हजार उन्नीस का एग्जाम है, 2019 है आपका ईयर 19, लेकिन होगा 2020 में। तो इसके पेपर क्या आने का चांस है, एक्सपेक्टेड पेपर है ये आपका मोर ऑर लेस। देखो सबसे पहले तुमको ये पता करना है कि तीन ग्रुप में डिवाइडेड है पूरा सेटल हो इसको लेके, और ग्रुप सी ये 15 मार्क है, 80 मार्क्स है टोटल तुम्हारा पेपर, शायद 20 नंबर तो तुम्हारे कॉलेज के हाथ में इंटरनल्स और उसका। ये आपका 10 × 4 = 40, इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, 4 करना रहेगा, यहाँ पे कंपलसरी है एक ही क्वेश्चन। तो 40 + 55 25 ही बचा, तो यहाँ 5 × 5 टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली बोलने का मतलब 3 क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें ऑप्शन रहेगा, 3 क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन रहेगा और यहाँ पे 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। 80 मार्क्स है, 3 घंटा है, लगता है ज़्यादा है लेकिन कम पड़ेगा, हम बता देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ होगा इशू। तो तुमको नंबर उठाना है, स्कोर करना है, तो तुमको थोड़ा सा क्या है प्लानिंग अच्छा रखना पड़ेगा, अपना पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इश्यूज होंगे नहीं तो। नॉर्मली बच्चे को यही सही लगता है कि पहले ग्रुप ए से चालू करो, गलत है। ग्रुप ए में 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, 5 मार्क है लेकिन क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपका 5 मार्क्स में 20-25 मिनट लग जाएगा एक एक क्वेश्चन में, पता चलेगा तुम्हारा 1.5 घंटा बीत गया और 25 नंबर ही हुआ, तो पैनिक कर जाओगे ऐसे ही, और फिर उसके बाद तो 1.5 घंटा खराब ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन ग्रुप उठाना वो ग्रुप सी उठाना, ये आपका फाइनल अकाउंट्स होगा। कंपलसरी क्वेश्चन है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, अपना पोस्टिंग करना चालू कर देना, टारगेट रखना इसके अंदर में बेसिकली मैक्सिमम 35 मिनट्स लगता है, और बहुत स्लो स्पीड भी हुआ अगर शुरुआत में तो 45 मिनट्स तक ख़त्म हो जाएगा किसी भी हालत में, तो 15 मार्क का एक ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, पहले इसी को अटेम्प्ट करना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, इसको पहले ही ख़त्म कर देना। कल को अगर सपोज करो आधा घंटा बीत गया, तुम्हारा सारा पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट पुट कर दिया, टैली नहीं करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट देना टैली करवाने के लिए क्या मिस्टेक हो गया, उसके बाद भी नहीं पता चले तो उसको वहीं पे छोड़ देना, जित पे मत अगर उतर जाना कि हमको टैली करवाना ही है, नहीं तो क्या होगा 35 का 55 होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे टैली कराने से तुम्हारा हार्डली 3 नंबर बढ़ेगा, 2-3 मिस्टेक ही होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ढंग से ही किए होगे, तो 2-3 नंबर के लिए तुम 15 मिनट क्यों ख़राब करता है, तुम अपना जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करो। और देखो हाथ स्लो रहेगा शुरुआत में, वी आर नॉट वेरी फास्ट इन दैट केस, और अभी ठंड का टाइम भी है तो थोड़ा तो हाथ में इम्पैक्ट रहेगा, शुरुआत में कोई भी पेपर करते स्लो चलता है, तो पहला पेपर यही अटैम्प्ट क्वेश्चन यही अटैम्प्ट करो, इसमें सोचना भी पड़ेगा टाइम भी देना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा वेटेज का भी यही है, तो इसको अटैम्प्ट कर लो। शुरुआत में हमेशा टफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए जो बड़े होते हैं, टफ मतलब जो आता भी हो और बड़ा भी हो, उससे क्या मार्क्स बटोर लेंगे, बाद में क्या इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। कल को अगर हम लोग का ये पार्ट छूटता है, सपोज करो वर्स्ट केस सिनेरियो ये छूट भी गया, तो भी तो यार 55 का अटेम्प्टेड है, एक बात बता रहे छूटेगा नहीं, बट फिर भी अपने आप को प्रिपेयर रखो हर चीज़ के लिए, तो पहले इसको उठाओ ये ख़त्म करो। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के साथ ऑप्शन रहेगा, एक तो सिंगल एंट्री और एनटीओ, एक ऑप्शन यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो सिंगल एंट्री और एनटीओ में तुम कोई भी एक बहुत अच्छे से करके जा सकते हो, एनटीओ ज़्यादा इजी रहता है, सिंगल एंट्री थोड़ा सा ट्रिकी रहता है थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन और पीबीडीटी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इन दोनों में ऑप्शन है, एनी डे दिस इज मच ईजियर एनटीओ ना, कोई भी चीज़ करो। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये दोनों ही करना, पहले सिंगल एंट्री, इसके ठीक बाद सिंगल एंट्री या एनटीओ उठा लेना जो तुम्हारा बेटर हो। देखो इसमें कुछ नहीं है कि एनटीओ अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारा सिंगल एंट्री अच्छा तुम सिंगल एंट्री उठाओ, जो अच्छा हो वो करो पहले, दोनों एक ही जैसा है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट इसमें भी बनना है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट इसमें भी बनना है, तो लिंकेज भी है,
तो बेसिकली इसी को उठाओ और इसमें 25 मिनट्स रख लो एक बार के लिए। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में नहीं हो सकते, इनको उठाओ। तो बेसिकली तुम देखोगे तुम्हारा एक घंटा में, 1 आवर और 1 आवर 10 मिनट में बेसिकली तुम्हारा 25 मार्क्स का पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो पैनिक नहीं करना, 25 ही हुआ है, एक घंटे में भी 25 हो जाता है तो मोर देन इनफ है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो छोटे हैं, वो कवर अप हो जाएंगे लास्ट में। और छूटेगा भी तो 5-5 का, 2-2 क्वेश्चन छूटेगा तो भी 70 का तो अटेम्प्ट हो जाएगा, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। तो पहले इनको अटेम्प्ट करो और उसके बाद डिप्रिसिएशन उठाओ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी 15 मिनट मैक्सिमम, उतना ही लगता, उससे ज़्यादा नहीं लगता इसमें, 15-17-20 मिनट। तो भी अगर हम 20 मिनट भी लें तो 1.3 आवर्स, बेसिकली डेढ़ घंटा आपका निकल गया, 1 आवर 30 मिनट्स, जिसमें आपका 35 मार्क्स का पेपर हो गया। यस और नो, करेक्ट है? अभी अपने आप को प्रिपेयर करना हम लोगों को कि कैसे आगे बढ़ना है। अब देखो डेढ़ घंटा बीत गया, तुमको दिखेगा आधा बीत गया, मेरा 35 ही हुआ भाई। 40 होता है 50%, तुम 35 की हो तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं करना। अब हमारा ऑप्शन का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इधर अपने पास दो क्वेश्चन और रहेंगे जो अपने को करने होंगे। एक तो कंसाइनमेंट आता है 10 मार्क्स, समझ गए चीज़ को? तो तुमको ये समझ में आता है ये क्वेश्चन, कंसाइनमेंट 10 मार्क्स है, मान लो 20 मिनट लगेगा मैक्सिमम, इसको उठाओ उसके बाद। 20 मिनट भी लगा तो 1 आवर 50 मिनट्स में सर जी 45 मार्क्स हो गया, करेक्ट है? कोई दिक्कत? हम मानते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, कहीं तुम्हारा ज़्यादा टाइम लग गया तो 2 आवर्स में तुम्हारा 45 मिनट्स, हो सकता है क्या? अब तो सेटल्ड हो जाएगा मेरे हिसाब से, चीज़ सेटल्ड है, श्योर पक्का? ये कैलकुलेशन रखना दिमाग में, क्योंकि दिमाग में घंटी नहीं बजना चाहिए, टाइम में घंटी बजना चाहिए। अपने आप को प्रिपेयर रखना हम लोग को वर्स्ट के लिए, तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रखने के लिए काम करना होगा। अब एक क्वेश्चन आएगा या तो लॉस ऑफ स्टॉक से या लॉस ऑफ प्रॉफिट से, या तो इससे या फिर इससे या फिर सेल्फ बैलेंसिंग, बट हमको सेल्फ बैलेंसिंग कम लगता है यहाँ पे आता हुआ, बहुत डाउटफुल है इस सिचुएशन में, है ना? इन दोनों में से कोई एक रहेगा। लॉस ऑफ स्टॉक ज़्यादा पूछता है सीयू, प्रॉफिट कम पूछता है, तो वेटेज हमेशा स्टॉक का ही ज़्यादा रहता है। इसको भी करने जाओगे प्रॉफिट या स्टॉक तो मैक्सिमम 20 मिनट्स ही लग सकता, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो आपका 2 आवर 20 मिनट्स में किसी भी हालत में 55 मार्क्स ख़त्म हो चुका, करेक्ट है? कितना मिनट बचा? कितना मार्क्स बचा? 25। अब आपको ध्यान रखना है, आपको अपने पास 40 मिनट के लिए है, कितना मार्क्स के लिए? 25 मार्क्स के लिए। बस यहाँ पे अब दिमाग लगाना है और नंबर उठाना है। इस 5-5 मार्क्स में 8 क्वेश्चन है, 3 के साथ ऑप्शन है। इसके अंदर में 15 मार्क का थ्योरी ऑप्शनल, 5 मार्क्स का कंपलसरी थ्योरी रहता है और 10 नंबर का ऑप्शनल रहता है बेसिकली, या 10 का कंपलसरी थ्योरी समझ लो और 5 का ऑप्शनल समझ लो, ऐसा कुछ रहता है। तो बेसिकली तुमको 10 मार्क्स थ्योरी मान लो तुम, तो थ्योरी लिखने में तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, हो तो घसीटा मारोगे तुम जितना हो सके, उसको तुम थोड़ी इतना टानेगा। थ्योरी का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, लास्ट मतलब 2 घंटा 50 मिनट कुछ हो जाए, जब तुमको लगे सिर्फ यही 2 बचा है तब उसको उठाना, क्योंकि थ्योरी फास्ट रहेगा हाथ उस समय, और दिमाग में थॉट का कमी नहीं है हम लोग के, लिखने जाएंगे खटखट 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 लिखते चले जाएंगे तो वो आँख कवर हो जाए। 10 मिनट में आदमी 25 मार्क का भी थ्योरी लिख सकता है अगर उसको सिर्फ लिखना हो तो, इट इज़ पॉसिबल। तो वहाँ पे उठा लेना, थ्योरी को हाथ ही मत देना। तो 10 नंबर के लिए हम लोग लास्ट का 10 मिनट रख दिए। अब हम लोगों को टोटल और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और हमारे पास कितना मिनट है? आधा घंटा। 5-5 मार्क्स का 3 है, इसके अंदर में 1 रेक्टिफिकेशन 5 मार्क, जो तुम लोग इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है सीयू में तुम देख चुके हो, 5-5 मार्क का किए थे ना हम लोग ईयरली सम्स, वो टाइप का, वो आप ईयरली सम देख के जाइए और कुछ मत देखिए।
मेरे सम सुमति देखो क्योंकि वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं, जो तुम ईयर का सम देखे हो उसको करके जाओ बस, और कुछ मत करो इसके अंदर में। तो ये करने में हार्डली तुमको 10 मिनट, तो हम बहुत ज़्यादा लिख दिए उतना लगेगा भी नहीं, बट फिर भी हम लिख देते हैं। एक आएगा तुम्हारा इसके अंदर में सेल ऑन अप्रूवल, और इसके साथ एक ऑप्शन रहता है सेल ऑन अप्रूवल के साथ, सेल बैलेंसिंग। तो जो तुमको सही लगे वो कर लेना। दोनों ही क्वेश्चन मैक्सिमम कितना लेगा? 10 मिनट ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, करेक्ट है। और एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कैश बेसिस या एक्रुअल बेसिस का प्रैक्टिकल होगा, और उसके साथ एक थ्योरी होगी ऑप्शन में। समझ गया मेरा बात? क्लियर होता है? तो यहाँ पे दो थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है, एक थ्योरी में भी ऑप्शन रहता है, एक थ्योरी कंपलसरी रहता है और एक प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी रहता है। तो अगर तुम किसी भी हालत में वर्स्ट केस सिनेरियो में जाओ तो मैक्सिमम 15 मार्क का ही थ्योरी कर सकते हो और मिनिमम 10 का करना पड़ेगा, 70 का प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे अब ये जो सम है ये 5 मिनट का ही सम होता है, मैक्सिमम 5 मिनट मैक्सिमम। अभी भी 5 मिनट बच जाएगा पेपर को इस बेसिस पे चलाना। जितना यहाँ गेन कर पाओगे, 2 आवर 20 मिनट रखे हम लोग को कैलकुलेशन रखना दिमाग में कि 1 घंटे में फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री हो जाए, कोशिश करना है या एंट्री हो जो भी। 1 घंटा 20 मिनट तक में अगर डिप्रिसिएशन भी हो जाए तो हम लोग गेन में है 10 मिनट। जितना तुम समय बचा पाओगे जहाँ पे, तुम्हारा वहाँ पे प्लस होते जाएगा। प्रिपरेशन इस तरीके से रखोगे तो शायद तुम्हारे लिए मार्क्स उठाना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। पहला चीज़ यही होता है कोई भी पेपर को अटेम्प्ट करने के पहले कि हम प्रोसीड कैसे करें। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ से प्रोसीड करते तो हम एक एक 5-5 नंबर का सम भी बनाने में अच्छे से बनाते शुरुआत में, तो मेरा 25 नंबर ख़त्म करने में हमको 1 घंटा लग जाता। तो जो चीज़ के लिए हम 40 मिनट दिए हैं मैक्सिमम, वो 20 मिनट वहीं ख़त्म हो जाता। तो ये 20 कहीं से लेके निकलता हुआ, और यहाँ अगर कहीं से 20 नंबर मिनट ले लेता तो बट ऑब्वियस है 2-10 नंबर का क्वेश्चन पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो तुम्हारा 20 नंबर छूट सकता है। तो तुम इसको तो हाथी मत लगाना, पहले ग्रुप सी से स्टार्ट करना, ग्रुप बी में जाना, फिर ग्रुप ए में जाना। अगर ग्रुप बी में कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो जगह छोड़ देना, 2-3 पेज जो तुमको एक्सपेक्टेड पेजेस लगे, और उसके बाद ग्रुप ए में जाना। पहले मत जाना क्योंकि ग्रुप वाइज चेंज नहीं हो सकता। एक बार ग्रुप बी चालू हो गया तो ग्रुप बी ही का ही सारा क्वेश्चन होगा, फिर ग्रुप ए चालू होगा तो ग्रुप ए ही होगा, फिर वापस आप ग्रुप बी नहीं लिख सकते, वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ ग्रुप यू शुड कंप्लीट दैट ग्रुप, उसके बाद ही दूसरा ग्रुप आएगा, और दूसरा ग्रुप खत्म होने के बाद पुराना ग्रुप वापस नहीं आ सकता। क्वेश्चंस ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि ये ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग में जैसा ग्रुप है वैसे ही करना पड़ेगा। ग्रुप सी पहले करके फिर ए किया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोलता सी यू, बट ग्रुप बी चालू हुआ तो उसके बाद दूसरा ग्रुप चालू होने के बाद वापस ग्रुप बी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। अब वहाँ पे वो सब मत लिख देना सॉरी प्लीज़ आप देख लीजिए ये सब नहीं मिलता मार्क्स, उसको गलत ले लिया जाता है, कुछ ये सब मत करना, ये सब मीन्स अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना तो हम सिखा दिए कि करना कैसे है, डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन नोइंग कि व्हाट विल बी द क्वेश्चन। यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, अदरवाइज कुछ ना कुछ छूटेगा। और याद रखना फर्स्ट सेमेस्टर है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेमेस्टर है ESCU का। इसके बाद जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेंगे आपका स्कोर कम होते जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। यहीं से प्लस रखो तो आगे जाके दिक्कत कम होगा तुमको। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? तो ट्राई टारगेट रखो अच्छा मार्क्स आए इसके अंदर में, बाकी सजेशन के लिए बात करेंगे।